हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं अवाकाडो टोस्ट। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलो देखते हैं। अवाकाडो टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सैंडविच ब्रेड। अगर आपके पास टोस्ट ब्रेड है तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। और इन सैंडविच ब्रेड पर हम जेनरसली बटर अप्लाई करेंगे, इवन ऑन ऑल द साइड्स। अच्छे से बटर अप्लाई करने के बाद इन ब्रेड्स को हम ओवन में थोड़ी देर टोस्ट होने के लिए रखेंगे, 4 to 5 मिनट्स के लिए। बटर अप्लाई हो चुका है, अब इन्हें हम प्लेस कर देंगे ओवन ट्रे में और इन्हें 4 to 5 मिनट्स तक बेक कर लेंगे। तब तक हम एक अवाकाडो लेंगे और इससे हम गुआकामोली रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हम पहले अवाकाडो को इस तरह से कट करेंगे। मेक श्योर कि आपका अवाकाडो अच्छे से राइपन हो ताकि वो अच्छे से स्कूप आउट हो जाए। इसको हम डीसीड कर लेंगे। और इसे हम स्कूप आउट करके सारा पल्प एक मिक्सिंग बोल में ऐड कर देंगे। इजीली स्कूप आउट करने के लिए इस तरह से हम पहले स्ट्राइप्स बना लेंगे नाइफ से और फिर इसे स्पून की हेल्प से इस तरह से स्कूप आउट करके डाल देंगे। जितना अवाकाडो अच्छे से पका हुआ होगा इतना इजीली ये स्कूप आउट हो जाएगा। और इस अवाकाडो पल्प को हम अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से फोर्क की मदद से। और इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियंस, फाइनली चॉप्ड अनियंस यूज किए हमने, और ग्रीन चिलीज, सॉल्ट एज पर टेस्ट, फ्रेश लेमन जूस, हाफ लेमन स्क्वीज करेंगे हम, चॉप्ड टमेटोस, फ्रेशली क्रैक्ड ब्लैक पेपर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट और लेमन अच्छी तरह से इवनली ब्लेंड होने के बाद हम रेडी किए हुए टोस्ट लेंगे और उस पर एक गार्लिक क्लव लेकर इस तरह से रब कर देंगे ताकि इसमें स्लाइट गार्लिक का टेस्ट आ जाए। और इस पर हम रेडी किया हुआ अवाकाडो गुआकामोली प्लेस कर देंगे। ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े सी चिली फ्लेक्स थोड़ा सा फ्रेशली क्रैक्ड पेपर और ब्लैक सेसमी सीड्स ऐड करेंगे, यानी कि ब्लैक तिल ऐड करेंगे फॉर कलर एंड टेस्ट। और हमारे अवाकाडो टोस्ट बनके रेडी हो चुके हैं, इन्हें हम सर्व कर देंगे। I hope you like this video and do share your reviews in comment section and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.